जय जय श्री राम। आज जाकर के राम जी को लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया है। अब आप समझ रहे होंगे अच्छे से। लेकिन राम जी हमारे लिए कल भी प्रिय थे, आज भी, और हमको लगता है कि हमारा राम राज्य है। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम। मैंने एक बड़ा प्यारा राम भजन अभी परसों एक गोरखपुर महोत्सव में मैंने गाया था, बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो सच में मैं उसे किसी से जोड़ती नहीं हूँ, मैं उसे अपने आप से जोड़ती हूँ कि अगर हम आने वाली पीढ़ी हमारी होगी तो फिर कैसी हो कि हर घर में अब एक ही नाम, हर एक ही नारा गूंजेगा। वो मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा। जय श्री राम का नाम ऐसा होना चाहिए कि पूरा यहाँ से अयोध्या तक एक हो जाए, है ना, पूरा ब्रह्मांड गूंज जाए कि हाँ आज गजना महोत्सव में इतने जोर शोर से राम जी का नाम लिया जा रहा था, है ना। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा, जय श्री राम। अच्छा आप सब नहीं बोलोगे, हम कह रहे ना लाली लिपस्टिक लगाने कोई फायदा नहीं है, वो श्रृंगार किस काम का जो मेरे राम को ना भाए, है ना। जरा एक बार प्रेम से बोलिए कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा। चलिए सबकी आवाज तो आ रही है, कम से कम अभी सब है, है ना। आइए जरा चारों तरफ से एक बार दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के कि हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। वाले खाली मोबाइल लेके खाली वीडियो बनाने के लिए हो ना, ना कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। अरे कम से कम कभी कभी बोल भी दिया करो। कहते हैं किसी की मस्ती जिंदा है और किसी की हस्ती जिंदा है। किसी की मस्ती जिंदा है तो किसी की हस्ती जिंदा है, और जो राम के नाम पे ताली ना बजाए वो बेचारे जबरदस्ती जिंदा है। सही बात, उनको जीने का कोई वो नहीं है, है ना। आज जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। अभी भी वो आवाज नहीं आई जो हम सुनना चाहते थे। क्या बोलेगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि आप स्पेशली हमारे लिए आए हैं। सही बात है। लेकिन ये आगे वाले जो तीन पंक्ति में जो बैठे रहते हैं स्पेशली, मुझे लगता है कि अपने घर का पूरा आय व्यय विवरण सब लेके आते हैं। वो दूसरे के लिए आए हैं, हम लोग आपके लिए आए हैं। ऐसा मेरे को लगता है, जैसे कि ये सर अभी मोबाइल चला रहे थे, ऐसा लगता है इनकी धर्म पत्नी का कॉल आया हो। सही बात है, वो जरूरी है ना सर। कभी कभी ना हम कलाकार आपके लिए आते हैं तो कभी कभी ना इस मस्ती में रम जाना चाहिए। जैसे वो सर पीछे चश्मा लगा के बैठे, लग रहा है उनको अभी भी धूप ही लग रही है। अच्छा विचित्र विचित्र लोग हैं दुनिया में, है ना। ये आगे देखे खड़े हैं लेकिन एक बार भी राम का नाम नहीं लिया। अजी एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय। अरे ये तो भैया वो मुर्गा नहीं देखे, वो कड़क वाला जो होता है, हाँ एकदम सेम मुर्गा, तो मुर्गी हो। लेकिन हम चाहेंगे कि कम से कम एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम। हमारे लेकिन आप सर नहीं बोले सर, आप खाना ना खाए सर, सर जिला प्रशासन की व्यवस्था सर, सब चीज उपलब्ध है। आप एक बार मैं चाहूंगी जिला प्रशासन के एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए यार, इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए, इतना सुंदर मंदिर आपके सामने बना हुआ है, साक्षात भगवान विराजमान है। कभी भी हम दुखी होते तो हम सबसे पहले हमें मंदिर ही याद आता है कि कहीं नहीं चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर बैठेंगे। लेकिन कैसे मंदिर का क्या फायदा, देखो ये सब आराम से बैठते हैं, कोई फर्क देखिए उनका भी सर, देखिए आए व्यवहार उनका कुछ खराब हो गया सर, वो भी बातें कर रहे हैं। आएगा प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब मैंने जिसको मोबाइल चलाते देखा, फिर कैमरा फोकस उनके चेहरे पे करवाऊंगी मैं।
सही है ना जी? सही। चलो आओ जरा मिलके गाते हैं कि मेरे भारत का बच्चा है बच्चा, मेरे भारत का बच्चा है बच्चा, जय जय श्री राम। अच्छा भैया, मुन्ना भैया, इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे ना जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत। उसके लिए एक चीज बोलनी है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। हम सभी का बहुत सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक लाइन इसमें कही गई है कि हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, अजिद पे आ जाएंगे तो करने ढेर, करने ढेर। भाई जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सही बात है। तो जिंदगी में हम ये चाहते हैं कि हम जहाँ के निवासी हैं वहाँ भगवान का निवास हमेशा रहे। एक बार और प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, और मिल के गा दीजिए कि हम हिंदू हैं बब्बर शेर। देखो इनसे जयकारे लगवा दे, देखना कितने अच्छे हैं लोग। आप लोग रुक जाने, एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। सिर्फ पुरुष वर्ग की बात कर रही हूँ, जयकारे लगाना मेरे साथ, देखते हैं आप ज्यादा जीतते हो कि वो लोग जीतते हैं। ठीक है, एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रभु श्री राम की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। राधे कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने बीवियों की जय। भाई बीवियों को जय बोला जरूरी है। पहचान गई हूँ किसने किसने बोला है, आप भी बोल रहे। देखिए मैं इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखा रहता है